सलमान खान की फिल्म भारत में देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, दिशा पटानी और तब्बू के बाद सलमान की बेहद करीबी कैटरीना कैफ की एंट्री हो गई है। क्यों आप भी शॉक हो गए ना कि प्रियंका चोपड़ा के होते हुए कैटरीना मैडम क्या कर रही है फिल्म में। नहीं नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने नहीं कहा है फिल्म को बाय। दरअसल खबर ये है कि अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में सलमान खान की बदौलत कैटरीना कैफ की एंट्री हो गई है। कैटरीना मैडम का इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस होगा। साथ ही फिल्म में ये साफ है कि उनका रोल प्रियंका चोपड़ा के मुकाबले काफी छोटा रहेगा। सिर्फ पीसी ही नहीं बल्कि कैटरीना का रोल दिशा पटानी के किरदार से भी छोटा होगा, जो उनके किरदार को फिल्म में सबसे छोटा बताता है, जो ये साबित करता है कि प्रियंका अब भी फिल्म की लीड हैं। कैटरीना का स्पेशल अपील कैमियो से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रोल को करने के लिए हाँ कहा है तो सिर्फ सलमान खान, अलवीरा और अली अब्बास जफर के चलते, क्योंकि वो है इनके सबसे ज्यादा क्लोज। सलमान और उनकी फैमिली से अच्छे रिश्ते के चलते ही कैटरीना इस किरदार को निभाने के लिए हुई है तैयार। फिलहाल कैटरीना अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तैयारी में है, जिसमें वो आमिर खान के साथ नजर आएंगी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सलमान खान की फिल्म भारत में देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, दिशा पटानी और तब्बू के बाद सलमान की बेहद करीबी कैटरीना कैफ की एंट्री हो गई है। क्यों आप भी शॉक हो गए ना कि प्रियंका चोपड़ा के होते हुए कैटरीना मैडम क्या कर रही है फिल्म में। नहीं नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने नहीं कहा है फिल्म को बाय। दरअसल खबर ये है कि अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में सलमान खान की बदौलत कैटरीना कैफ की एंट्री हो गई है। कैटरीना मैडम का इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस होगा। साथ ही फिल्म में ये साफ है कि उनका रोल प्रियंका चोपड़ा के मुकाबले काफी छोटा रहेगा। सिर्फ पीसी ही नहीं बल्कि कैटरीना का रोल दिशा पटानी के किरदार से भी छोटा होगा, जो उनके किरदार को फिल्म में सबसे छोटा बताता है, जो ये साबित करता है कि प्रियंका अब भी फिल्म की लीड हैं। कैटरीना का स्पेशल अपील कैमियो से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रोल को करने के लिए हाँ कहा है तो सिर्फ सलमान खान, अलवीरा और अली अब्बास जफर के चलते, क्योंकि वो है इनके सबसे ज्यादा क्लोज। सलमान और उनकी फैमिली से अच्छे रिश्ते के चलते ही कैटरीना इस किरदार को निभाने के लिए हुई है तैयार। फिलहाल कैटरीना अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तैयारी में है, जिसमें वो आमिर खान के साथ नजर आएंगी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।